हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं अपने सबसे फर्स्ट टूल को लेकर के, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेकर के। लोगो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर जो है यूज करने वाले हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये आपके पास जो एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जैसे हम लोग कई बार करते हैं, आपने देखा होगा, हम लोग नोट्स जो है वो अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर्स में बनाते हैं, लेकिन वही नोट्स अगर हम लोग अपने चाहें तो कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर में दोस्तों, जब हम लोग अपने नोट्स या अपने ब्रोशर्स या अपने दूसरे कोई भी लाइक लेटर पेड या कुछ भी जब हम लोग अपने कंप्यूटर में बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर जो हम लोग यूज करते हैं वो अपने पास होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो लिब्रे ऑफिस का यूज कर सकते हैं राइटर, या फिर दोस्तों आप लोग चाहें तो ओपन ऑफिस का राइटर यूज कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर, वो हमारे पास होगा वर्जन जो है 2013। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि 2000 के आसपास से भी अगर हम लोग शुरू करें, हालांकि उससे पहले भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अवेलेबल थे, बट मैं आपको बता चुका हूं 2000 है, उसके बाद आपके पास एक्सपी था, उसके बाद दोस्तों आपके पास 2003 है, मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो 2007 से हुए, यानी कि यहां पर अपने पास अब टैब आ चुके हैं 2007 से, उससे पहले तो अपने पास मेन्यू बार हुआ करते थे। दोस्तों, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं लाइक 2010 आपके पास वर्जन है, 2013 है आपके पास, 2016 है आपके पास, 2019 है आपके पास, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी में कॉमन चीजें होंगी। इन दिनों में अगर आप दोस्तों कंप्यूटर को यूज करते हैं तो आई थिंक आपके पास 2010, 2013, 16 या 19 आपके पास हो सकता है। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं जो है 2013। तो दोस्तों, इसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं जाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ मुझे मिलता है, तो दोस्तों मैं यहां इसके ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा। सिंपल सा प्रोसेस है। जब दोस्तों आप यहां देखेंगे तो आपके पास यहां बहुत सारी अलग अलग जो है वो यहां आप देखेंगे तो टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। यहां पर आपके पास एक होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसमें कोई एडिटिंग से रिलेटेड, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो बिल्कुल ब्लैंक फाइल होगी, यहाँ पर आपको लाइक बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आपको दूसरे और भी अगर इसके अंदर कुछ इफेक्ट डालना लाइक कलर या कुछ भी लाइक, तो वो सब आपको खुद मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं, जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं वेलकम टू वर्ड 2013, तो यहाँ उसका आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, या फिर आपके पास जो है सिंगल जो है वो स्पेस्ड ब्लैंक जो है आपको मिल जाएगा, तो आप इस टाइप से ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर आप कोई कैलेंडर टाइप करना चाह रहे हैं, या आपके पास कोई रेज्यूमे है, या आपके पास ऐसे ही कुछ दूसरे ऑप्शंस और भी है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे अगर आप करके देखेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ अलग अलग टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहें तो आप नेट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उनको भी आप यहाँ टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। लाइक पार्टी इन्विटेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, कोई इवेंट को आप यहाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मैं आपको भी दिखा चुका हूँ, आप यहाँ पर उनको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग जैसे सीख रहे हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस और लाइक बिजनेस से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको नेट पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, यानी नेट के थ्रू भी आप यहाँ से ले सकते हैं अगर इंटरनेट कनेक्टेड है आपका सिस्टम, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे और ये सारे के सारे आपको फ्री मिलने वाले हैं। इसके अलावा हो सकता है वैसे कुछ आपके पास पेड भी आपके पास सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, पेड आपके पास जो है टेम्पलेट्स हो सकती है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप देखें तो दूसरे और भी आपको यहाँ अलग अलग टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कह रहा था कि मैं यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने वाला हूँ। सिंपल सा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो एक बेसिक लेआउट आपके पास ये आएगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर इन सभी चीजों के एटलीस्ट नाम जो है वो जरूर पता होना चाहिए, मतलब कि कंपोनेंट्स क्या क्या है। इस
पूरी फ्रेम में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है दोस्तों, उसके नाम जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए अगर आपको स्टूडेंट्स है तो ऑब्वियस है ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या आपसे कोई पूछ भी सकता है कि टाइटल बार कहाँ है, स्टेटस बार कहाँ है, मेन्यू बार कहाँ है, या रिबन कहाँ है, या आपके पास टैब्स कहाँ है। दोस्तों अगर आप यहाँ जो है अगर मैं कह सकता हूँ कि आप प्रोफेशनल्स हैं तो भी आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर आप हाउसवाइफ है तो भी आपके लिए दोस्तों ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करें टेम्पलेट्स को, इसको कॉम्पोनेंट्स को लेकर के, कॉम्पोनेंट्स आखिर आपके पास कौन कौन से होते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यही कहूंगा कि यहाँ जो आप ऊपर देख रहे हैं लाइक डॉक्यूमेंट वन, ये आपका बाय डिफॉल्ट नेम होता है, ये डिफॉल्ट नेम होता है आपकी फाइल का। आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, हालांकि आप करेंगे ही। तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि आपकी फाइल का जो डिफॉल्ट नेम है वो क्या होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वन। उसके अलावा अगर अपन कहें जहां आपकी फाइल का नाम लिखा होता है, जैसे मैं इसको अगर आगे जाते हुए जब इसको सेव करूंगा तो दोस्तों आप जो भी नाम लिखेंगे वो नाम आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहां देखेंगे तो तीन मेन आपके पास बटन होते हैं, जिसको एक कहते हैं मिनिमाइज, एक कहते हैं दोस्तों मैक्सिमाइज, और एक आपके पास होता है क्लोज बटन। मैक्सिमाइज जो बटन है इसको अपन रीस्टोर बटन भी कहते हैं, मतलब आप इसकी साइज मैक्सिमम कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, जो इसकी साइज अपन ने कर रखी है। ठीक है, अगर आप अभी देखेंगे जैसे रीस्टोर किया, अगर आप अब देखेंगे तो दोस्तों ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब जितनी भी स्क्रीन है उसके अंदर पूरी फैल जाएगी इस टाइप से। तो टाइटल बार पे आपको यहाँ कहीं कुछ कॉमन बटन्स दिखाई देते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर जो है कुछ और बटन्स भी देख सकते हैं। इसी तरीके से साइड में अगर आप देखेंगे तो लाइक आपकी फाइल को सेव करने के लिए, या आपको अंडू या रीडू या ऐसे कुछ और ऑप्शंस भी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपकी क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप इवन कि इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होता है आपके पास एक रिबन। दोस्तों रिबन क्या होता है, देखिए मैं यहां से इसको बिल्कुल छुपा रहा हूं, देखिए ये पूरा का पूरा छुप चुका है, ये कंप्लीट अगर अपन देखें तो ये पूरा आपके पास एक रिबन था। ठीक है, यहां देख सकते हैं दोस्तों फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, या आपके पास पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ये सारे के सारे जो अलग अलग टैब, और उन टैब के नीचे जो आप ये ऑप्शन ग्रुप देख रहे हो, ये दोस्तों कंप्लीटली आपके पास क्या कहलाता है, एक रिबन। तो रिबन क्या होता है आपको याद रखना है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें जो आपको दिख रही है अभी, ये कंप्लीट पूरा एक रिबन होता है। अब इस रिबन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों आपके पास आते हैं टैब। ठीक है, टैब जैसे आप देखेंगे सबसे पहले आपको एक होम टैब आपको दिख रहा होगा। होम टैब में दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये बोल्ड का ऑप्शन हो गया, ये इटैलिक का हो गया, ये अंडरलाइन का हो गया, आपको स्ट्रैक थ्रू का मिल जाएगा, सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप आगे आके देखेंगे तो आपको अलाइनमेंट मिल जाएंगे, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, जस्टिफाई है, ये सारे ऑप्शंस। आप इधर देखेंगे दोस्तों बहुत सारे स्टाइल्स हैं, एडिटिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप एक ऑप्शन देखते हो, उन ऑप्शन का अपने आप एक ग्रुप है, एक पूरा कॉम्बिनेशन, एक पूरा कलेक्शन है। जैसे अगर यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें दिख रहा होगा पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट है, तो ये पूरा आपके पास जो है क्लिप बोर्ड एक अपने आप में ग्रुप है। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास फॉन्ट एक ग्रुप है, इसके अंदर फॉन्ट से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही पैराग्राफ है, इसी टाइप से दोस्तों आपके पास स्टाइल है और एडिटिंग है। अगर आपको दूसरे टैब में जाते, जैसे अगर आपको बेसिक कुछ काम करने होते हैं तो ये वो आपको यहां देता है, ठीक है, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के सारे फीचर्स। बट दोस्तों कुछ चीजें आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि दोस्तों मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज को मैं इंसर्ट करूं तो पिक्चर्स पे जाऊंगा, मैं यहां पर चाहता हूं दोस्तों कोई शेप्स को इंसर्ट करना है तो मैं यहां शेप पे जा सकता हूं। इसी टाइप से कोई स्मार्ट आर्ट बनाना चाहते हैं, कोई चार्ट अगर आप यहां लेना चाहते हैं, कोई स्क्रीनशॉट्स अगर आप लेना चाह रहे हैं दोस्तों, या फिर आपके पास और दूसरे ऑप्शन है, आप ऑनलाइन कोई वीडियो या हाइपरलिंक या बुकमार्क या क्रॉस रेफरेंस या कमेंट, हेडर एंड फुटर, ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं लाइक यहाँ पर वर्ड आर्ट है, ये ऐसी कुछ भी चीजें, ठीक है, लाइक इक्वेशंस है, सिंबल्स है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आप करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाके। ऐसे ही डिजाइन में जाते हुए दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग डिजाइन को अप्लाई करवा सकते हैं, लाइक आप यहाँ पर देखेंगे तो डिफॉल्ट कुछ फॉर्मेटिंग्स आपके पास अवेलेबल है, आप इस बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कुछ डिफॉल्ट आपको फॉर्मेट्स मिले, आप इनको यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास यहाँ कुछ कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो अलग अलग टाइप के फीचर्स मिलेंगे, आप कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ रखना चाहते हैं, जो भी आपके पास अलग अलग स्टाइल्स है, ये सारी डिफॉल्ट कलर, डिफॉल्ट स्टाइल्स है, एक टाइप का कह सकते हैं कलर ट्रे आपको देता है।
ऐसे ही आपके पास फॉन्ट्स, आप कौन कौन से फॉन्ट्स यहाँ से चूज करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर भी बता सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा पैराग्राफ स्पेसिंग है या कोई इफेक्ट है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोई वाटर मार्क अगर आप बनाना चाह रहे हैं इधर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पेज का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों पेज पर अगर आप कोई बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपने पेज के ऊपर अलग अलग टाइप के बॉर्डर से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों आपको? डिजाइन में। ऐसे ही पेज लेआउट में जब आप जाएंगे तो आपके पेज से रिलेटेड जो फॉर्मेट्स होते हैं यानी कि पेज की फॉर्मेटिंग, लाइक दोस्तों आपके पास आपके पेज में मार्जिन कितना छोड़ना है, आपका पेज का ओरिएंटेशन कैसा होगा, लाइक लैंडस्केप होगा या फिर आपके पास में पोर्ट्रेट होगा, आपके पेज की साइज क्या रहेगी, A4 साइज का पेपर होगा, A3 साइज का होगा, लेटर होगा, लीगल होगा या कोई दूसरा भी, आप अपने पेज पे कितने कॉलम्स दोस्तों रखना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर 2 कॉलम, 3 कॉलम या इससे ज्यादा भी आप मोर कॉलम्स बुलाके चेंज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों चाहते हैं पेज ब्रेक इंसर्ट करना, लाइन नंबर सेट करना या फिर आप यहाँ पर ऐसे कुछ दूसरे ऑप्शंस लाइक इंडेंटेशन का, स्पेसिंग का, ऐसे कुछ और ऑप्शंस आप यहाँ ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास रेफरेंस आएगा तो रेफरेंस में आप टेबल ऑफ कंटेंट TOC ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, जैसे अपन जब नोट्स वगैरह बनाते हैं तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि नोट्स के स्टार्टिंग में या आप कोई बुक भी जानते हैं तो स्टार्टिंग में अपने पास एक इंडेक्स पेज होता है, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं अपने TOC को, या फिर ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, या अपने पास में एंड नोट है, फुट नोट है, या आपके पास जो है इसी टाइप के दूसरे और भी ऑप्शंस आप यहाँ रेफरेंस के थ्रू सेट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों मेलिंग में जाकर के आप यहाँ पर जो है वो अपना मेल मर्ज, मोस्टली हम लोग यहाँ पर अपना मेल मर्ज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। रिव्यू में भी आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर है, थिसॉरस है, वर्ड काउंट है, या आप कुछ डिफाइन करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेटर्स को आप यहाँ यूज करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज को यूज करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसे ही आपके पास जो है वो ट्रैक चेंजेस है या फिर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को, तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ऐसे ही व्यू में अगर आप जाएंगे तो आप कौन कौन सी चीजों को देखना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं आपका डॉक्यूमेंट कैसे व्यू होगा, तो उसके लिए आप प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, रीड मोड है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है, अलग अलग टाइप के व्यू है जो आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में रूलर को यूज करना है आप कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर देंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको रूलर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपको और दूसरे ऑप्शंस लाइक जूम कितना रखना है, जूम का परसेंटेज क्या होगा, वन पेज दिखाना है, मल्टीपल पेज दिखाना है, पेज की विड्थ के साथ आपको इसको डिस्प्ले करना है, या और भी ऐसे ऑप्शंस जैसे कि आप अपनी विंडो को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, अरेंज करना चाह रहे हैं, एक नई विंडो लेना चाह रहे हैं, दो विंडोज के बीच में स्विच करना चाह रहे हैं, आप कोई मैक्रो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि कैसे आप रिबन को यूज करते हैं। देखिए अगर आप इसको फिक्स पिन कर देंगे तो वो यहीं पर रहेगा, अब हाइड नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो हाइड हो तो सिंपल सा इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑटो हाइड भी हो जाता है। तो मैं वापस से इसको यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से अभी आप देख रहे होंगे ऑटो हाइड है, और मैं इसको पिन बटन पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं आपसे कह रहा था रूलर है ना, रूलर अगर आप देख सकते हैं लाइक 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, यानी कि आप यहाँ रूलर को यूज किसके लिए करते हैं। देखिए ये जो आपका एरिया है, ठीक है, इस एरिया में जाकर के मैं जाकर क्या करता हूँ दोस्तों, लिखता हूँ इक्वल्स टू RAND और ब्रैकेट बनाता हूँ शिफ्ट के साथ 9 और 0 को यूज करते हुए। तो इससे क्या होता है कि ये एक डिफॉल्ट मैक्रो आपके पास बना हुआ होता है। इस टाइप का फंक्शन अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं तो वो आपको कुछ सैंपल कंटेंट दे देता है। दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो इतना स्पेस छोड़ना चाह रहा हूँ आगे का। अगर आप चाहते हैं नहीं ये नहीं रखना है दोस्तों, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, आप इस टाइप से कर सकते हैं। किसी पैराग्राफ को आपको लगता है मुझे थोड़ा आगे लेके जाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, और पूरे पैराग्राफ को आगे करना चाहते हैं तो आप इस टाइप से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो उनकी पोजिशंस क्या है इसको याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पर रूलर को यूज करते हैं। ऐसे ही जैसे आप हॉरिजॉन्टल रूलर देख रहे हैं दोस्तों, वर्टिकल रूलर भी आपको दिखाई देता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इन केस अगर आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा बड़ा होता है, जैसे ये कंटेंट थोड़े ज्यादा थे जो एक विंडो में या एक जो पेज का डिस्प्ले है मेरी स्क्रीन का उस पर नहीं आ रहा है, तो आप दोस्तों इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और अगर कंटेंट ज्यादा है तो आप ऊपर नीचे कर पाएंगे, और कंटेंट कम है तो फिर आपको यहाँ पर डिस्प्ले ये नहीं करेगा।
ऐसे ही दोस्तों अगर आप देखें तो ये जब सारा कंटेंट खत्म हो जाता है, जैसे एक काम करता हूं मैं, इसका थोड़ा जूम परसेंटेज बढ़ा देता हूं, आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे शायद आपको अगर दिख रहा होगा तो यहां से दोस्तों आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं, या नहीं तो फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल के साथ में भी जो है वो अपने माउस के साथ आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इसको जूम कह सकते हैं, जब जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर भी आपको एक स्क्रॉल बार जो है वो दिखाई दे जाएगी हॉरिजॉन्टल भी। तो आप अपने पेज को लेफ्ट राइट मूव करना चाह रहे हैं या दोस्तों आप टॉप बॉटम मूव करना चाह रहे हैं, तो इस टाइप से भी आप इसको चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर अपन देखें तो अपने पास यहां सबसे लास्ट में आता है जिसको अपन कहते हैं स्टेटस बार। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, मतलब इसमें कितने पेज है आपके पास। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों पेज वन ऑफ वन, एक ही पेज है और उसी पेज पे आप हैं। दोस्तों अगर मैं इस कंटेंट को इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके अगर बढ़ा देता हूं, ठीक है, कैसे बढ़ाया, इजी है, आप जानते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी शॉर्टकट है, उसको यूज करते हुए आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास टोटल जो है वो पेज दो है, लेकिन मैं अभी फर्स्ट पेज पे। आप दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, आप स्क्रॉल करते हुए दूसरे पेज पे जाएंगे, आप देखेंगे टू ऑफ टू हो चुका है। दोस्तों इस पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर टोटल आपके पास 956 वर्ड जो है वो लिखे गए हैं विद स्पेस है। इसी टाइप से यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की जा रही है इसमें वो कौन सी है, आपके पास इंग्लिश इंडिया जो मैंने सेट कर रखी है, इसको इंस्टॉल करते टाइम पर भी। ऐसे ही आप यहाँ पर दोस्तों अलग अलग व्यू देख रहे होंगे, जैसे रीड मोड आ गया है, या आपके पास प्रिंट लेआउट आ गया है, या आपके पास वेब लेआउट आ चुका है। देखिए आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपके पेज जो है वो इस टाइप से आपको डिस्प्ले करे, जैसे कि बुक है रीड मोड में आ चुका है। अगर दोस्तों आप पास में जाके प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये वैसा पेज होगा जो नॉर्मली आपके पास होता है, जो डिफॉल्ट होता है, जिसमें आपको सारी चीजें बहुत क्लियर आपको दिखाता है, लाइक पैडिंग मार्जिन सारी चीजें। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ वेब लेआउट होगा, यानी कि ब्राउजर पे आपका पेज कैसा दिखेगा, सिर्फ ये डिस्प्ले करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट जो अपन यूज करते हैं प्रिंट लेआउट उस पे आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जूम परसेंटेज दिखता है, आप इस स्लाइडर को आगे पीछे करते हुए आप चाहें तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इस प्लस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। आई थिंक बिल्कुल इजी चीजें हैं, आप समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों सबसे लास्ट में आपको जो ये बार दिखती है इसको अपन क्या कहते हैं, हमेशा टास्क बार। तो आपके जो भी सॉफ्टवेयर अभी ऑन है, लाइक दोस्तों मेरे पास यहाँ पर जो है वर्ड ओपन है, मेरे पास बैकग्राउंड में पावर पॉइंट ऑन करा हुआ है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ डिस्प्ले करता है, नीचे देख भी सकते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे दोस्तों कुछ क्विक लॉन्चेस सॉफ्टवेयर भी होते हैं कि आप डायरेक्ट उस बटन पे क्लिक करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकते हैं। आई होप दोस्तों बहुत इजी चीजें हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आपको इसमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो है वो मैं इस फाइल को एक बार दोस्तों सेव कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हम लोग इस फाइल को आगे फ्यूचर में कभी भी यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए एक तो मैं इसका जो जूम इन वापस कर देता हूँ, जिसे नॉर्मल जो है वो मैं आपको डिस्प्ले करवा पाऊंगा इसको। दोस्तों फाइल को सेव करने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे इजी जो है वो होता है दोस्तों शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस। जैसे ही दोस्तों मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये मुझे कहता है इस फाइल को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। मेरे कंप्यूटर में दोस्तों बहुत सारी लोकेशन है, आप कहीं सेव करना चाहे कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में भी जा सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी फाइल को यहाँ सेव कर पाएंगे। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। दोस्तों मैं इस फाइल का जो नाम रख देता हूँ वो रख देता हूँ मैं सैंपल डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ सैंपल डॉक्यूमेंट। जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये जो फाइल सेव होगी उसका जो एक एक्सटेंशन बनता है, मतलब फाइल का टाइप क्या है। आप जानते हैं दोस्तों जब आप गाने सुनते हैं, जब आप सॉन्ग्स को सुनते हैं, तो उसका एक एक्सटेंशन होता है जिसको अपन जनरली बोलते हैं MP3 सॉन्ग में। ऐसी जब आप मूवीज देखते हैं तो अपन कहते हैं MP4 टाइप की फाइल है। जब आप कोई इमेज देखते हैं तो आप कहते हैं ये JPG या आपके पास PNG या BMP टाइप की इमेज है। इसी तरीके से दोस्तों जब आपकी फाइल जब सेव होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, हमेशा .docx। DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट और X का मतलब होता है एक्सटेंसिबल, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो और एक्सटेंड हुआ है, नए फीचर्स इसके साथ एड हुए हैं। नए फीचर्स कहाँ से आए दोस्तों, तो 2003 जो वर्जन था वहां तक आपके पास .doc चलता था, लेकिन उसके बाद आते आते हम लोग .docx को यूज करते, लाइक 2007 में, या फिर आपके पास 10 में, या आपके पास जो भी 13 है, या ऐसे ही आगे चलते हुए आपके पास जो दूसरे वर्जन भी है, लाइक 16 है, लाइक 19 है, तो उन सब में .docx चलता है।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो 2013 है, बट ये जो कॉमन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। हाँ, कुछ फीचर्स अलग ऐड हो चुके हैं तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बाकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इस टाइप से दोस्तों मैं इसको यहाँ इस सेव बटन पे क्लिक कर दूंगा तो दोस्तों मेरे कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स में एक सैंपल डॉक्यूमेंट .docx नाम की फाइल यहाँ सेव हो जाएगी। कहाँ पर? डॉक्यूमेंट्स में। दोस्तों जैसे इसके ऊपर सेव बटन पे क्लिक करूंगा, इस फाइल का जो नाम था आप ऊपर देख पाएंगे, सैंपल डॉक्यूमेंट। मैंने आपसे कहा भी था कि जो फाइल का नाम होता है वो एक्चुअल में फाइल का टाइटल होता है, ठीक है, और टाइटल आपको हमेशा कहाँ दिखता है? आपके टाइटल बार के ऊपर। तो ये जो पूरी रो आप देख रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? टाइटल बार। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इस टाइप से दोस्तों आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसमें हम लोगों ने केवल एक इंट्रोडक्शन देखा है कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, कैसा दिखता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आगे के वीडियो में मैं आपको और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें हर टॉपिक को दोस्तों बहुत अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, एक एक टॉपिक को हम इतने अच्छे से समझेंगे कि जैसे आपको कोई प्रोफेशनली काम करना है। तो दोस्तों आप यहाँ जो है वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।